देविंदपुर में जो एक ही परिवार का 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उस दल को इस बार एक एक वोट देकर मोहम्मद कामरान जी को विधायक बनाना है। अगर गोविंदपुर में इतिहास लिखने की काम होती है तो शेखो दौरा ही पंचायत करता है। इसलिए शेखो दौरा पंचायत वासियों से विनम्र निवेदन है कि इस बार जात पात मिटाकर एक एक वोट मोहम्मद कामरान जी को देने का काम करेंगे। इन्हीं चंचल दो के साथ मैं अपने वाले प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखोदेवरा ग्राम के सभी हमारे युवा साथी, हमारे गार्जियन, बुजुर्ग, अभिभावकगण, मैं सबसे आप लोगों से अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि आने वाले 28 तारीख को गोविंदपुर विधानसभा का चुनाव है। गोविंदपुर विधानसभा जिस पिछड़ापन में अब तक जी रहा है उससे निकालने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद 28 तारीख को अगर लालटेन को मिलता है तो निश्चित रूप से गोविंदपुर विधानसभा का जो खूबसूरत गोविंदपुर विधानसभा बनाने का सपना आप लोगों ने देखा है उसको पूरा करने का अवसर प्रदान आप हमको करें। 28 तारीख को लालटेन छाप पे, दो नंबर पे है लालटेन छाप, उस पर वोट दे करके आप गोविंदपुर विधानसभा को चमकाने का, विकसित बनाने का, वहां विकास की गंगा बहाने के लिए एक नए प्रत्याशी को इधर इस बार अगर आप लोग करते, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वोट देंगे और दे करके इस बार मौका देंगे कि कामरान आप लोगों की सेवा करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कामरान 10 साल आप लोगों की सेवा किया है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कामरान आने वाले समय में आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, आप लोगों के दुख सुख में आगे भी था और आगे भी रहेगा, तो निश्चित रूप से दो नंबर पे 28 तारीख को लालटेन छाप पे वोट दे करके आप लालटेन को यहाँ से भेजे करके भेजिए ताकि मैं गोविंदपुर का जो सपना आप लोगों ने देखा है वो पूरा कर सकूं। और आप जब वोट देने के लिए जाएं तो वोट देने में आपको ये महसूस ना हो कि आपने कोई गलत काम किया, गलत कैंडिडेट को चुना। इसलिए मैं दो घोषणा आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि सब जगह पे हम जा करके कर रहे हैं कि विधायक निधि से कोई काम पिछले 5 साल 10 साल में जैसा कि लोगों ने कहा है कि आपके गांव में हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता है तो 40% कमीशन विधायक को देना पड़ता है, तब जा करके आप लोगों के बीच में विधायक का फंड आता है। लेकिन सरकार वो फंड आप लोगों के विकास के लिए देती है, विधायक की कमीशन खोरी के लिए नहीं देती। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में घोषणा करता हूं कि अगर आप लोगों के वोट से, आज आप लोगों के आशीर्वाद से अगर विधायक बनने का मौका मिला, आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से जो पैसा सरकार आप लोगों के विकास के लिए देगी वो पूरा का पूरा पैसा आप लोगों के बीच में लाएंगे। एक रुपया कमीशन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रुपया कमीशन ना कामरान लेगा ना किसी को लेने देगा। सारा का सारा पैसा आपके बीच में ला करके आप लोगों का विकास करने का काम करेंगे। दूसरा घोषणा, आपके वोट से विधायक बनता है और विधायक जब शपथ ग्रहण लेता है तो विधायक, सरकार विधायक को वेतन देती है। मेरा मानना है कि जो विधायक को वेतन मिलता है उसमें भी जनता का हक होना चाहिए, चूंकि आपके वोट से विधायक बनता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी सरकार वेतन देगी विधायक बनने के बाद, अगर आप लोगों के वोट से वहां जाने का मौका मिला तो एक एक रुपया वेतन का भी जो है वो सरकार जो देगी वो आप लोगों के बीच में आप लोगों से पूछ के आप ही लोग पे खर्च करेंगे। कामरान एक रुपया वेतन का भी अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि कामरान को वोट देना चाहिए, कामरान आपके साथ 10 साल आप लोगों के दुख सुख में था, कोई काम कामरान आपके गांव में किया हो या आपके ब्लॉक में अगर कामरान समाज सेवा कर रहा है, उसका हक बनता है कि उसको वोट मिले, तो दो नंबर पे 28 तारीख को दो नंबर पे लालटेन छाप पे आप अपना अपना वोट दे। यही आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाल पर
कुलचुर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।